गंगा दशहरे का पावन दिन है और हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर एबीपी गंगा मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब पूरी तरीके से उमड़ा है और गंगा दशहरा पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सामने ब्रह्मकुंड है और ये मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप भी धुलते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भी मन्नत यहाँ पर श्रद्धालु मांगते हैं माँ गंगा उनकी पूरी करती है। तो ये पूरा क्षेत्र ब्रह्मकुंड का है जो कि हर की पैड़ी में है क्योंकि हर की पैड़ी के चारों ओर इसी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्य जगह मानी जाती है जहाँ पर हर किसी की दिली इच्छा होती है कि वो जब हरिद्वार हर की पैड़ी आएँ, खासतौर पर गंगा दशहरे का मौका हो, तो वो ब्रह्मकुंड के पास जाकर स्नान करें। यहाँ पर पूरे देश से विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं और जो कि भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है। हरिद्वार में अगर बात करें तो 4 बजे से ये स्नान शुरू हुआ और ये भी माना जाता है कि पुण्य की प्राप्ति जो सूर्य उदय से पहले का जो स्नान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसका महत्व ज़्यादा है और यही वजह है कि आज गंगा दशहरे के इस मौके पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर इस तरीके से तमाम राज्यों से लोग पहुंचते हैं और यहां पर स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां होती हैं कि भीड़ का मैनेजमेंट पूरी तरीके से किया जा सके और जो भी श्रद्धालु यहां पर आएँ उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना हों। और एक ख़ास बात यह भी है क्योंकि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा चल रही है और अधिकतर श्रद्धालु जो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पहुँचते हैं उनकी ये इच्छा रहती है कि वो पहले हरिद्वार में माँ गंगा का आशीर्वाद लें और माँ गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद चार धाम की यात्रा करें। यानी कि जो श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनमें से ज़्यादातर श्रद्धालु ऐसे हैं जो इसके बाद चार धाम यात्रा में अपनी निकलेंगे। तो माँ गंगा के इस तट पर तकरीबन 4 बजे से इस तरीके का जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। उत्तराखंड में अगर मौसम की बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हम देख रहे हैं कि पिछले रात से लगातार झमाझम बारिश है और बीच बीच में बारिश रुक रही है, लेकिन इस बारिश में किसी भी तरीके से जो आस्था का सैलाब है उसमें कोई कमी नहीं आई है। जो आस्था है वो इस मौसम पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हर की पैड़ी में जो श्री गंगा सभा है उसके बाहर इस तरीके का पूरा व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई बड़ी संख्या यहाँ पर अगर होती है तो वो आराम से माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकें। क्योंकि कहा जाता है कि आज गंगा दशहरा के दिन जो माँ गंगा में डुबकी लगाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन ही माँ गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। सैगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, हर की पैड़ी, हरिद्वार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।